कोर्ट मैरिज मंदिर में शादी के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। कोरोना से सतर्कता और बचाव के दौर में पटना से आई ये तस्वीरें बिहार के लोगों के लिए मिसाल बन सकती है। पटना के राजा बाजार में बैठी दुल्हन और साहिबाबाद में बैठा था दुल्हा। काजी पढ़ रहा था निकाह और लड़की ने ऑनलाइन ही निकाह को कबूल किया। और कोरोना के बचाव के लिए लॉकडाउन में निकाह संपन्न हो गया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पटना में टीवी स्क्रीन के कैमरे के सामने दुल्हन के लिबास में सादिया नसरीन बैठी थी, वहीं साहिबाबाद में दूल्हे के लिबास में दानिश रजा। पटना में काजी ने दो गवाहों की मौजूदगी में दोनों का निकाह करवाया। इस दौरान दोनों परिवारों के लोग भी ऑन स्क्रीन मौजूद थे। परिजनों ने बताया कि निकाह की तारीख 24 मार्च तय किया गया था और बारात को भी आना था, लेकिन इस बीच कोरोना को लेकर लॉकडाउन हो गया, जिसके बाद काफी कोशिशों के बावजूद बारात नहीं आ सकी। जिसके बाद हम लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं, निकाह ऑनलाइन ही करवा देते हैं। मेरे माँ बाप की मर्जी थी, इसी में ही राजी हैं हम लोग, और जो भी अभी हालात है उन्हें मद्देनजर रखते हुए ये जो भी हुआ वो सही हुआ और अल्लाह की मर्जी यही थी। आप भी यही चाहती थी कि जिस तरह से कोरोना वायरस का देश में महामारी चल रहा है उसको देखते हुए आपने भी ये डिसीजन लिया कि मैं तैयार हूँ ऑनलाइन निकाह के लिए? जी, मैंने बस अल्लाह की मर्जी को अपनी मर्जी समझा और इस फैसले को की अहमियत थी इस फैसले को। लड़के वाले भी इस बात के लिए राजी थे, आपने निकाह किया है, अब आपकी विदाई होगी, तो क्या दूसरे को क्या संदेश देना चाहेंगे कि बारात में भीड़ भाड़ कम हो अभी की हालात को देखकर? अभी फिलहाल अभी जो भी हालात है उस लिहाज से हमें अभी सोशल जो भी प्रोग्राम है उससे दूर रहना चाहिए और घर पे सेफ रहना चाहिए। वही लड़की के पिता को इस बात का मलाल है कि वो अपनी इकलौती बेटी का निकाह पूरी रीति रिवाज से नहीं कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के हालातों में कम से कम लोग शादी और विवाह करें। कि हम लोग का डेट जो 24 तारीख का लिया गया था शादी का, उसके बाद शहर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने की वजह से बारात वहाँ से आने के लिए तैयार नहीं हुआ। बाय रोड भी आने के लिए कोशिश किया गया, बाय प्लेन भी आने के लिए कोशिश किया, लेकिन सभी कोशिश बेकार हो गई। उसके बाद हम लोग आपस में मशविरा करने के बाद ऑनलाइन शादी करने का निकाह करने का प्रोग्राम बना लिया और हम लोग वो निकाह किए। कैसे ऑनलाइन किए? वहाँ से लड़का ऑनलाइन था, यहाँ लड़की थी, काजी थे जी। किस तरह की बात है? वीडियो कॉलिंग के जरिए, हाँ, टीवी में लगा करके और लाइव वहाँ से हो गए, लाइव यहाँ से हो गए और काजी साहब ने निकाह पढ़ाया। दोनों तरफ से निकाह हुए? दोनों तरफ से निकाह हो गए। बारात नहीं आई, निकाह हुई, खाना पीना गांव समाज का हुआ? गांव समाज का नहीं हुआ, जो हमारे गेस्ट आए हुए थे बस उन्हीं लोगों का हुआ, हम लोग भीड़ भाड़ कम किए। कहीं ना कहीं थोड़ी सी मलाल हुई होगी इस बात की? हाँ, बहुत मलाल हुई है, मेरी एक बच्ची थी। अच्छा। हाँ, हम बहुत शौक से सब इंतजाम किए थे, सब पोस्टपोन्ड किया गया, लेकिन इस बात से भी खुशी हुई होगी कि देश जिस बीमारी से लड़ रही है उसको लेके आपने इस तरह का फैसला लिया। जी जी जी, कहीं ना कहीं इसकी खुशी भी हुई। जी हाँ, हम लोग के हमको खुशी इस बात की है कि हम लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगाए और बहुत साधारण में हम लोग निकल गए। बिहार के सुपौल में 65 लोगों को बारात में ले जाने की खबर ने लोगों को चिंता में डाल दिया था, लेकिन पटना से आई ऑनलाइन शादी के इस प्रयोग ने लोगों के सामने एक उदाहरण पेश किया है। पटना से राजेश कुमार झा, बिहार तक।